नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज मैं लेके आई हूँ पंक्चुएशन मार्क्स। अब बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के गुजरात बोर्ड के लिए वीडियो थोड़े से कम है, इतने आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो काफ़ी टाइम से कुछ बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते थे ग्रामर के भी वीडियोस आप लाइए, तो मैंने कोशिश की और पहला वीडियो आपके सामने है, दैट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क। तो आज हम करेंगे पंक्चुएशन मार्क। आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आप कोई भी उठा लिए सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या पंक्चुएशन मार्क लगाना है। तो देखिए, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करनी हूँ, सीधा अपन चलते हैं कि कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनकी मीनिंग समझेंगे और फिर हम कुछ थोड़े एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बेस्ट कि मैं आपको इतने अच्छे समझाऊं कि आपको कोई और वीडियो की जरूरत ना पड़े और आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। इनकेस अगर कन्फ्यूजन होता भी है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू हैव द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आप कमेंट कीजिए, मेरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि क्या है ना। अब बेसिकली पंक्चुएशन होता क्या है, देखिए जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो टोन होते हैं ना उसमें रुकावट, लाइक हम पॉज करते हैं। ओके, जैसे हमको सवाल पूछना है, आपका नाम क्या है, ठीक है। अब आप अगर इस चीज को समझ पा रहे हैं तो हम लोग एक फीलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सब आपकी आपका बर्थडे और आपको आपका मनचाहा गिफ्ट मिला, ओके, तो यस आई गॉट द गिफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम वो फीलिंग अपने चेहरे पे लाते हैं और अपने शब्दों से उसको बयान करते हैं। तो पंक्चुएशन और कुछ नहीं होता है, इट्स अ काइंड टू एक्सप्रेस फीलिंग। बट जैसे द पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने में कैसे फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे ना, क्योंकि चेहरे पे तो हाव भाव जो वॉइस है उसका टोन ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है सामने वाले इंसान को दुखी है, खुश है, गुस्सा है, व्हाटएवर। बट लिखने के दौरान वो पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ना, वही फीलिंग्स को जस्टिफाई करते हैं, वही पंक्चुएशन मार्क जो है वो आपको एक्सप्रेस करवाते कि क्या बोल रहा है। जैसे मैंने आपको ये दिया हुआ है, सुनना, देखना देखना आप ध्यान से, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर आपको, कि आई लव कुकिंग माई पेट एंड माई फैमिली। अब देखो, ठीक है, अगर मैं इसको रीड करती हूँ, आई लव कुकिंग माई पेट्स एंड माई फैमिली, मतलब कि मुझे मेरे पालतू जो जानवर होते हैं वो और मेरी फैमिली को पकाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, उनको पकाने में। ओके, इसका मतलब कि वो सीरियल किलर हो गई। ओके, अब यहाँ पे अगर हम कॉमा का यूज करते हैं तो देखो मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई लव कुकिंग कॉमा माई पेट्स कॉमा एंड माई फैमिली, मतलब कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, ओके, मुझे अपने पेट से प्यार है, मुझे अपने फैमिली से प्यार है, ओके, लाइक आई लव, सो आई लव कुकिंग, आई लव माई पेट्स एंड आई लव माई फैमिली। अगर इन तीनों चीजों को कंबाइन किया जाए तो ऐसा होगा, आई लव कुकिंग माई पेट्स एंड माई फैमिली, ठीक है। तो जब कॉमा नहीं था तो क्या लग रहा था मीनिंग, कि भाई मुझे मेरे पेट्स और मेरी फैमिली को पकाने में मजा आता है, ठीक है, काटो मारो पकाओ और खाओ। और जैसे कॉमा लग गया तो मीनिंग बदल गई, ठीक है, मीनिंग ये आ गई कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे कुकिंग से प्यार है, मुझे मेरे पेट से प्यार है, मुझे मेरी फैमिली से प्यार है। ओके, तो आई होप कि आप मीनिंग समझ गए कि पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश में कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो आइए इन्हीं मार्क्स को अपन देखते हैं आगे क्या क्या है। सो पंक्चुएशन इज वॉट, इट इज नथिंग बट दे आर द सिम्बॉल्स डिस्क्राइबिंग अवर इमोशंस अवर फीलिंग्स दैट आर नोन एज द पंक्चुएशंस। ओके, सिंपल। नाउ सबसे पहला पंक्चुएशन आता है फुल स्टॉप, ठीक है, क्या आता है फुल स्टॉप, ये अच्छा खासा डॉट बिंदी ना हम लगाते हैं फुल स्टॉप। अब देखो, फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो फुल स्टॉप अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेंटेंस खत्म हो गया, दो मिनट के लिए सांस ले लो। ओके, तो अब बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं ना, वो आपने देखा भी होगा क्लास में जब टीचर रीडिंग करवाते हैं, इंग्लिश की मैम तो ऑब्वियसली रीडिंग करवाते ही हैं, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को पंक्चुएशन का ज्ञान नहीं होता है ना, वो पूरा ऐसे धड़ 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 रीड करते जाते हैं। जैसे ये पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ, द फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इट इज यूज्ड टू सेपरेट इंडिविजुअल सेंटेंसेस इंडिकेटिंग दैट वन सेंटेंस हैज एंडेड एंड अ न्यू वन इज बिगनिंग। ओके, सांस तो ले लो, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मैंने पूरा रीड किया तो मैंने कहीं में पॉज नहीं लिया, तो फुल स्टॉप जो है वो आपको पॉज करवाता है और सामने वाले को पता चलता है कि ठीक है ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया, पॉज, अब दूसरा सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो द फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फुल स्टॉप,
इट इज यूज टू सेपरेट द इंडिविजुअल सेंटेंसेस, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस को इंडिविजुअली, लाइक जो अलग अलग होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इंडिकेटिंग कि एक सेंटेंस इंडिकेटिंग कि एक सेंटेंस खत्म हो गया और अभी नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्लियर हुआ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो जनरली हम लोग, लाइक जनरली हम लोग तो एंड ऑफ द सेंटेंस में ही लगाते हैं जहाँ पे उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है सेंटेंस की। ओके, अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखिए एक तो होता है एब्रीवेशंस में, मिस्टर के बाद डॉट लगा देते हैं, मिसेस के बाद डॉट लगा दिया, डॉक्टर डी आर के बाद डॉट लगा दिया, ठीक है। तो जो एब्रीवेशंस हमें यूज करते हैं, इंजीनियर होता है ऐसे, तो हम लोग ई आर डॉट लगा देते हैं, है ना, तो पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स लिखकर उसके बाद डॉट लग देता है, तो ये एब्रीवेशंस, टाइटल जिसको हम कहते हैं। अच्छा, डेसिमल्स में भी हम लोग यूज करते हैं, मैथ्स का ये तो आपको पता ही है ना। अब बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स, हम वहाँ पे पॉइंट्स बोलते हैं, फुल स्टॉप नहीं बोलते, बट ठीक है, सिंबल इज द सेम, तो हम बस बता रहे हैं कि कहाँ का यूज होता है। ओके, एक्रोनिम्स में यूज करते हैं, जैसे यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा है तो यूएसए, ओके, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो शॉर्ट फॉर्म लेके हम उनको डॉट में लिख देते हैं। और उसके अलावा आजकल जो बहुत चल रहा है, दैट इज यूआरएल एड्रेसेस, ठीक है, तो जैसे www.example.com, ओके, www.google.com, ओके, तो बेसिकली हमारे खुद के भी जो मेल्स के जो आईडी होते हैं उसमें हम लोग .com लगा देते हैं, .com या .in, तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स जैसे आई लाइक टू ईट पिज्जा, फुल स्टॉप, ठीक है, मुझे पिज्जा खाना पसंद है, खत्म सेंटेंस, और मैं ये सेंटेंस उनके सेटिस्फाई हो गए कि अच्छा हाँ मुझे पिज्जा खाना पसंद है, जिसको मैंने बोला उसको भी समझ में आ गया, कहीं पे भी अधूरापन नहीं रहा, इसके लिए फुल स्टॉप लगा दिया। स्कूल स्टार्ट्स ऑन वेंसडे, ठीक है, स्कूल वेंसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स इट, ओके। द बेबीज नेम इज ग्रेस, बेबी का नाम ग्रेस है, क्लियर, ठीक है। तो फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस की पूरी मीनिंग पता चल जाती है और आगे कुछ और जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं लगती है, तो हमारा फुल स्टॉप आ जाता है। तो जब आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स के लिए आएंगे, तो देखो जब पूरा स्टेटमेंट खत्म होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ही है, तो ये तो आप मान के चल लीजिए, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसे मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है, जैसे कि डू नॉट पुट अ स्पेस बिफोर अ पीरियड टू एंड अ सेंटेंस, ओके। अब पीरियड मतलब ये फुल स्टॉप, ठीक है, पीरियड को हम लोग फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, ओके। तो क्या कह रहा है कि भैया फुल स्टॉप लगाने के बीच में कोई भी स्पेस मत छोड़ना, ठीक है। देखो ब्लू फिर डायरेक्टली फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे देखो ये इनकरेक्ट है ना, गैप आ गया, गैप नहीं लगाने का कभी भी, ठीक है। दूसरा, डू नॉट पुट वन स्पेस आफ्टर द पीरियड, अगेन फुल स्टॉप, इफ इट इज फॉलोड बाय द अनदर सेंटेंस, ठीक है। डू पुट अ स्पेस आफ्टर द पीरियड, मतलब कि एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर नया सेंटेंस लिखो और फिर जहाँ पे खत्म होता है वो फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ये देखो फुल स्टॉप और डायरेक्टली कनेक्टेड दूसरा सेंटेंस, ऐसे नहीं, स्पेस डालनी है, ठीक है। अच्छा, इतना भी ज्यादा स्पेस मत डालना, ओके, नॉर्मल एक लेटर जितना स्पेस होता है, दैट्स इट, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो खैर अभी इतना तो हमें पता ही है, आई थिंक सो, ओके। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, आई विजिटेड माय फ्रेंड, ओके, मैं पॉज ले ली, चलो एग्जांपल विदाउट पीरियड्स, मतलब कि विदाउट फुल स्टॉप, ठीक है, विदाउट फुल स्टॉप अपन इसको रीड कर रहे हैं। आई विजिटेड माई फ्रेंड इन द सिटी, शी लिव्स विद हर मॉम, दे रेंट एन अपार्टमेंट ऑन द साउथ साइड ऑफ टाउन, वी हैड अ नाइस विजिट, आई होप आई कैन रिटर्न नेक्स्ट ईयर, थक गई मैं, ओके, हाय, सो यू कैन ब्रीथ नाउ, एक्चुअली आई टुक अ ब्रीथ। चलो तो अभी अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो क्या होगा, आई विजिटेड माई फ्रेंड इन द सिटी, पॉज, शी लिव्स विद हर मॉम, दे रेंट एन अपार्टमेंट ऑन द साउथ साइड ऑफ टाउन, We had a nice visit. I hope I can return next year. अब देखो हर एक सेंटेंस अपने में परिपूर्ण है, मतलब कि कंप्लीट है, ओके, मीनिंग दे रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, I visited my friend in the city. ठीक है, मैंने आपको अगर ये बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने गई, ओके ना, खत्म हो गया। She lives with her mom. वो अपनी मम्मी के साथ रहती हैं। कंप्लीट मीनिंग पता चल गई। They rent an apartment on the south side of town. ठीक है, south town के south area में उनका apartment है। We had a nice visit, हमें मज़ा आया। I hope I can visit next year, या I can return next year, ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं दूसरे साल भी जाऊँगी।
तो मतलब कि हर एक स्टेटमेंट आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो कोई भी ऐसे अनसेटिस्फाइड वाला फीलिंग नहीं आ रहा किसी भी सेंटेंस को रीड करके। तो जैसे ही रीडिंग खत्म होती है अपन फुल स्टॉप लगा देते हैं, याद करना फुल स्टॉप लगाते हैं, और फिर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है उसमें थोड़ा सा पॉज आता है। अगर मैं कहूँ तो भाई 2 सेकंड जितना आपको पॉज लेना पड़ता है। तो अभी जब आपको टीचर स्कूल में कहेंगे कि रीड करो तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान देना, मजा आएगा तब रीड करने और मीनिंग भी पता चलेगी। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क तो वैसे भी हमारे जिंदगी का हिस्सा ही है ना, क्योंकि हर एक चीज को हैं अपन नहीं ऐसे करते हैं क्या कुछ पता ही नहीं है। ओके, अननोन बालक है हम लोग, तो नादान से बालक, तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि ये बेसिकली एक इंक्वायरी, कुछ सवाल के लिए हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। जब जैसे मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी तो क्लियर होगा कि मैं सवाल पूछ रही हूँ। ओके, इट इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू डिनोट दैट द स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन, और लाइक स्पीकर की आवाज से भी वो चीज पता चल जाता है। ओके, मे आई कम इन सर, ना ऐसे मे आई कम इन, हम पूछ रहे हैं। सो व्हाट टाइम इज इट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क, ओके वेयर इज द नियरेस्ट कॉफी शॉप क्वेश्चन मार्क। तो हर एक में हमने क्वेश्चन मार्क सिग्नल की तरह यूज किया, जहाँ पे हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई ना कोई हमें जवाब मिलेगा उसका, ठीक है। तो वो सवाल जिसके जवाब की खोज में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। चाहिए कहीं बीच बीच में लगता है, वैसे भी नहीं है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगता है। तो अभी तक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दो देख लिए, एक फुल स्टॉप देख लिया और दूसरा क्वेश्चन मार्क देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन उल्टा आई। अभी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, जहाँ पे कोई भी ऑर्डर होगा या इमोशन की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसको हम बताते हैं। ओके, जैसे कि बहुत आपने जोर से बोला टैक्सी, ठीक है, वॉल्यूम हाई था, अब टैक्सी बोला आपने, देन आगे थोड़ा पॉज हो गया ना, ठीक है, तो इसके लिए टैक्सी फिर एक्सक्लेमेटरी। इंटेंशन ऑफ इमोशन, बिकॉज आई डिड सो, हाँ मैंने किया है, गुस्से हाँ मैंने किया है, तो क्या है, ठीक है, हाँ मैंने किया है, इसका मतलब कि एक्सक्लेमेशन, ठीक है, अपन गुस्सा शेयर कर रहे हैं, ओके, खुशी शेयर कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी एक सडन एक्सप्रेशन आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से यूज करते हैं। अब जनरली आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक्सक्लेम्ड वर्ड दिया ही होता है, तो मैं बच्चों को सिखाई देती हूँ, जहाँ पे एक्सक्लेम्ड वर्ड आया तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा ही देना, ठीक है, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, अब इसके 3 यूजेस हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो कब लगेगा, एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट, वो तो अपन ने देख लिया, ठीक है, यू आर लेट, ओके, गुस्से में यू आर लेट, तो अब गुस्सा है तो कैसे शो करने का ना, ऐसे करके अपन फोर्सफुली या वो इमोशन को कन्वे करते हैं। फिर आता है इम्परेटिव, ठीक है, नॉर्मल सा गेट आउट, ओके, टीचर बोल दिया ना गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ऐसे करके, या टेक द डॉग आउट ऑफ द किचन दिस इंस्टेंट, अभी क्या अभी इस कुत्ते को यहाँ से बाहर लेके जाओ, ठीक है, तो इमोशन आया, तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन ये फोर्सफुल है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फोर्सफुल। अब जब टीचर बोला गेट आउट, आपकी जाने की इच्छा भी नहीं होगी, पर फिर भी वैसे तो बच्चों की जाने की इच्छा होती है, वो तो ये सुनना चाहते हैं गेट आउट करके फिर हम लोग चले जाएं खेलने के लिए। ओके, और दूसरा कि जैसे मम्मी ने फोर्सफुली भाई इसको बाहर लेके जाओ खाना बनाना है डॉग को, ठीक है, तो फोर्सफुली जो काम करते हैं उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। अब आता है एंडिंग विद एन इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, देखो इंटरजेक्शन अगेन फीलिंग्स वगैरह से मैंने कहा, सडन फीलिंग, सडन खुशी, सरप्राइज, अल्लाह ब्रेव, वो यस ऐसे बोलते हैं ना अपन, ठीक है, वो वाले। तो जैसे कि सरप्राइज हो गए तो ओ माय गुडनेस, ओके, पेन आउच, ना कुछ लग जाता तो आउच ऐसे कर लेते हैं हम लोग, खुशी यप्पी, ओके, डिसमे मतलब दुखी हो गए, ओह नो, देन इंडिग्नेशन, हे हे लिसन, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाले जैसे एग्जांपल है, वाओ यू आर लुकिंग अमेजिंग, तो बेसिकली तो अपन एंड में यूज करते हैं, बट ऐसे कुछ इंटरजेक्शंस आ जाते हैं तो हम आगे इसको यूज कर लेते हैं एक्सक्लेमेशन को, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज कॉमा, ठीक है। अब देखो कॉमा और फुल स्टॉप में बहुत हल्का सा फर्क है, एक तो हाँ ठीक है कॉमा तो बीच में ही लगता है सेंटेंस के, वो फुल स्टॉप लास्ट में लगता है, दैट इज अ बड़ा वाला फर्क, ठीक है। दूसरा ये कि जब कॉमा सेंटेंस में लगता है ना तो आपको स्टॉप होना पड़ता है, अगेन आपको पॉज देना पड़ता है, फुल स्टॉप से थोड़ा कम। जैसे कि फुल स्टॉप में आप 2 सेकंड के लिए रुकते हो, तो कॉमा में आप आधे सेकंड के, लाइक 1 सेकंड के लिए रुकोगे, ओके, उससे 50%। अभी अपन टाइम तो रिकल्ट करेंगे, इट्स अ माइंड लॉजिकल ना, हम माइंड के थ्रू अच्छा कितना अपन को पॉज करना है, ज्यादा लंबा पॉज नहीं करना, ज्यादा लंबा पॉज किया तो फुल स्टॉप में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले कि हम सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, डेट्स, ईयर्स, सैल्यूटेशन, उसमें हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। डियर सर कहते हैं ना हम लोग, ठीक है, डियर मैम, जब आप लेटर लिखते हैं
ठीक है, तो डियर सर फिर कॉमा आ जाता है वहां पे यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम पहले रेस्पेक्ट डियर सर फिर आगे बात शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे कि सीरीज ऑफ द वर्ड्स आ रहे हैं, ही वॉज टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल भी है डार्क भी है हैंडसम भी है, ठीक है, ये तीन कैरेक्टर हैं, तो क्या लगा दिया, टॉल लगा दिया, उसके बाद कॉमा, डार्क के बाद कॉमा और एंड और हैंडसम, ठीक है। अब ना बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन होता है, अब कहीं कहीं जगह पे देखोगे, हालांकि मैं बाद में समझाई दूंगी, बट ठीक है बता ही देती हूँ ना, बातों बातों में क्लियर हो जाएगा आपको भी ये। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ यहाँ पर कि जैसे आपने देखा कि एंड के पहले जो है वो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, अब कई बार एंड के पहले कॉमा नहीं लगता है, कई बार लगता है, तो हम कब कॉमा लगा है हमें तो पता ही नहीं चलता। बहुत सिंपल सा मैं आपको, ये तो हालांकि अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन उसमें रहता ही है, बट एक सिंपल चीज बता रही हूँ, अगर दो चीजें होती है ना तो कॉमा नहीं लगाते। जैसे कि अगर ऐसा लिखती मैं, ही वॉज टॉल एंड डार्क, ठीक है, तो मैंने सिर्फ दो कैरेक्टर्स लिए, दो वर्ड्स लिए, तो मैंने उसमें कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे था ही वॉज टॉल फिर कॉमा डार्क कॉमा एंड हैंडसम, तीन कैरेक्टर्स आए, तो जब तीन कैरेक्टर्स आएंगे तो एंड के पहले कॉमा लगेगा, बात पकड़ में आई अच्छे से, ठीक है ना। तो जब दो कैरेक्टर या दो वर्ड्स की बात करेंगे बीच में एंड लगाएंगे तब एंड के आगे कॉमा नहीं आएगा, बट अगर तीन लाइक दो से ज्यादा तीन चार पांच ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पे कॉमा आएगा। ओके, शी इज इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल टॉल, ओके हो गया, और क्या बोलूं, ठीक है, टॉपर, ओके, तो बहुत सारे कैरेक्टर बोल रहे हो उसके लिए, शी इज टॉल ब्यूटीफुल टॉपर ऑफ द क्लास इंटेलिजेंट विजडम, ओके, तो इन सब के लिए जब एंड में जो वर्ड बोलोगे ना उसके पहले कॉमा आ जाना चाहिए, ठीक है, बाकी तो बीच में कॉमा आने ही वाला है। उसके अलावा देखो अब फ्रेजेस, आई लाइक रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, तो आप फ्रेजेस, अगर यहाँ पे वर्ड्स नहीं है फ्रेजेस है, ठीक है, पूरी की पूरी बात अपन कह रहे हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स मीनिंग आ गई तो उसको फ्रेज बोलेंगे, लिसनिंग टू म्यूजिक मीनिंग आ गई उसको फ्रेज बोलेंगे, तो जब ऐसे तीन चार मीनिंगफुल फ्रेजेस आप यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप आपसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज योर हॉबी बताइए, ओके, तो आप बोलोगे आई लाइक ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ओके, तो उसमें समय क्या लग गया, कॉमा 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 लग गया। देखो अभी यहाँ पर भी देखो एंड के पहले कॉमा लग गया, क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बात की है, बुक्स की बात की, म्यूजिक की बात की, टीवी की बात की और इंग्लिश की बात की, तो इसलिए लास्ट वाले के पहले कॉमा लग गया। उसके अलावा डेट्स में लगा देते हैं हम लोग ईयर और डेट में, आई वॉज बॉर्न ऑन संडे कॉमा मे 12 कॉमा 1968, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप आना ही है, अभी अभी हमने देखा फुल स्टॉप मतलब कि सेंटेंस खत्म, क्लियर। चलिए नाउ यूज कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब जैसे मैंने बताई दिया, ठीक है, एंड बट सो येट इनके भी साथ आपको लगाना है, एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, इट इज एन ओल्डर का ओल्ड कार कॉमा बट इट इज वेरी रिलायबल, ठीक है, तो बट आया, देखो यहाँ पे सो आया उसके पहले, ठीक है, यहाँ पे एंड आया उसके पहले, तो जो कंजक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं, तो उसके आगे आप ऑल्दो येट बट सो एंड और लगाते हो तो उनके आगे क्या लग जाता है, कॉमा लग जाता है। बात समझ आई, अच्छा लग रहा है इंग्लिश का ये वाला लेक्चर, ठीक है, जरूर मुझे बताइए प्लीज। नाउ नेक्स्ट टू सेपरेट कोटेड पार्ट्स, ठीक है, अब जो कोटेड पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं। देखो जैसे कि ही आस्क्ड, ठीक है, इसने पूछा, क्या पूछा, तो कॉमा फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, क्या लग गया, कॉमा लग गया, द टीचर आस्क्ड कॉमा लग गया, उसके बाद क्या आ गया, कोटेड पार्ट आ गया, तो कोटेशन ना, कोटेशन से पहले मतलब किसी भी इंसान ने जो कोई भी बात कही है उसके पहले जो हम लगाएंगे वो कॉमा लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया अच्छे से, चलो चलते हैं आगे। ओके, उसके अलावा कॉमा हम यूज करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट के साथ, ठीक है, जैसे कि आज का दिन बड़ा मस्त है, नहीं है ना, बोलते हैं ना, है ना, ओके, यार ये टीचर तो बहुत त्रासवादी है, नहीं यार, ठीक है, हम लोग लास्ट में वो है ना उसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे एम्फसाइज करते हैं, है कि नहीं, तू बस मेरे बात में, ठीक है, हाँ या ना मिला दे, तो वो हाँ या ना मिलाने वाली बात जो होती है ना क्वेश्चन टेक को कहते हैं हम लोग। देखो दीज विलो ट्रीज आर ब्यूटीफुल, आरंट दे, ना, क्या वो सही में ब्यूटीफुल नहीं है, यू डिडंट एक्चुअली राइट अ 600 पेज वैम्पायर रोमांस नॉवल, डिड यू, तुमने ये 600 पेज वाली किताब नहीं लिखी है, तुमने लिखी सही में, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या आया, कॉमा के बाद, ठीक है, कॉमा के बाद वो एक्सप्रेशन कि तुमने लिखा है,
ठीक है, तो इसके लिए जहाँ पे तुम किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, किसी भी चीज के लिए आपको आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, ठीक है, तो उसके आगे अपन यू कॉमा लगा दे, प्रूफ मतलब क्वेश्चन टाइप, ठीक है। फिर आता है दो डिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज के बाद, ठीक है, दैट बिगिंस अ सेंटेंस, वहां पे हम कॉमा लगा दे। जैसे कि देखो देखो डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकले जब तक उसके साथ कोई और स्टेटमेंट नहीं जोड़ा जाए। जैसे कि इफ मिस्टर विल्सन कंप्लेन्स, अब बाकी वाला स्टेटमेंट छुपा दो, हाथ लगा के छुपा देना स्क्रीन पे, तो क्या होगा, इफ मिस्टर विल्सन कंप्लेन, क्या कंप्लेन, कुछ पता चल रहा है, ऐसे मन में गुरगुर हो रही है ना कि क्या समझ नहीं आ रहा, आगे रीड करो, वी विल इनवाइट हिम फॉर अ स्नेक, ठीक है, अगर अगर मिस्टर विल्सन कंप्लेन करेंगे तो हम उनको स्नेक्स के लिए इनवाइट कर लेंगे। तो देखो एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, उसके साथ जब हम दूसरा क्लॉज जोड़ेंगे जो उसको मीनिंग देगा, तो बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो मिस्टर के बाद ना फुल स्टॉप आया, सब चीजें साथ में देखते जाओ, अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है, तो फुल स्टॉप ने देखा था, तो मैंने कहा था एब्रीवेशन के साथ लगता है, ठीक है, टाइटल्स। नेक्स्ट, टू सेपरेट टू और मोर एडजेक्टिव्स दैट इक्वली इंडिकेट्स द सेम नाउन, अभी एक ही नाउन को, ठीक है, दो और दो से ज्यादा एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करेंगे तो हम उसके लिए भी कॉमा लगाएंगे। जैसे कि जिल वॉज हैविंग, मेरा पेन का यहाँ, जिल वॉज हैविंग प्रॉब्लम विथ अनरूली डिस्ट्रप्टिव चिल्ड्रन, ठीक है, अब जिल को प्रॉब्लम है स्कूल में होंगे ऐसे कोई बच्चे, ठीक है, जिसको परेशान करने वाले होंगे, तो उनके लिए अब उन बच्चों के लिए क्या शब्दों का यूज किया गया, अनरूली एंड डिस्ट्रप्टिव चिल्ड्रन, ओके, तो उनके साथ जिल को जो है वो प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे बाय यूजिंग द टू वर्ड्स अनरूली डिस्ट्रप्टिव, तो उसके बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है, इतना आया समझ में, चले आगे। नाउ सेमी कॉलन, ओके, अब सेमी कॉलन का क्या है भैया, देखो अब ये सेमी कॉलन जो है वो दो इंडिपेंडेंट, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है, टू जॉइंट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, अब दो इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी का कोई से मतलब नहीं है, दोनों सेंटेंसेस अपने 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 में परिपूर्ण है, ठीक है, मीनिंग दे देते हैं, बट अगर उनको ज्वाइन करना है तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन, ओके, सेमी कॉलन मतलब क्या होता है, ऊपर एक डॉट नीचे कॉमा, ठीक है, उसको सेमी कॉलन कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको कॉमा और कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, चलो, कैजी रेड अ बुक देन ही डिड अ बुक रिपोर्ट, ओके, अब देखो अगर कैजी रेड अ बुक फुल स्टॉप, आगे अगर कुछ भी नहीं तो चलेगा, अगर मीनिंग समझ गए इसकी, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके, ही डिड अ बुक रिपोर्ट, उसे बुक की रिपोर्ट की, ठीक है, क्लियर, बुक की, बुक को अपन करते हैं ना रिव्यू करते हैं ना, ठीक है, उसकी बुक की रिव्यू किया उसने, रिपोर्ट किया उसका, ठीक है, इसकी मीनिंग समझ में आ गई। तो जब दो ऐसे सेंटेंस जिनकी अलग अलग मीनिंग कंप्लीट है बट अगर उनको हमें जोड़ के रखना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन। देखो मार्था हैज गॉन टू लाइब्रेरी, ठीक है ना, मार्था लाइब्रेरी गई, खत्म। हर सिस्टर हैज गॉन टू प्ले सॉसर, उसकी बहन जो सॉसर खेलने गई, अब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, ठीक है, और उनको सेमी कॉलन के बारे में बताया, मतलब उन दोनों को एक साथ जोड़ के हम जब करेंगे तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन, ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, ये सारे रूल्स जो है वो अच्छे अच्छे तरीके से लिखते जाना, एक नोटबुक बना देना ग्रामर की। व्हेन यू हैव कंजक्टिव एडवर्ब लिंकिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, ठीक है, अभी जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को लिंक करने के लिए अगर हम लोग कोई एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मोर ओवर, अदरवाइज, देयरफॉर, फाइनली, कॉन्सिक्यूटली, तभी हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमा का, सेमी कॉलन का वर्ड यूज करेंगे। देखो आई नीड टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर, ऑल्सो, साथ ही साथ, ठीक है, मैं धूप भी लेता हुआ आ जाऊंगा, तो अब देखो ऑल्सो आया, तो ऑल्सो के पहले क्या यूज किया है, सेमी कॉलन, इसको एडवर्ब लिंकिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडीड, इंडीड के आगे आया सेमी कॉलन, ठीक है, तो अगेन ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही है, बट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में अगर कोई ऐसे कोई वर्ब आ जाते हैं, मोर ओवर, फाइनली, हैंस, ओके, अदरवाइज, देयरफॉर, ऑल्सो, तो इन सब के आगे भी क्या लगाओगे, सेमी कॉलन लगाओगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एंड आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको कोई डाउट ना रहे, और पसंद आ रहा हो अभी तक का लेक्चर तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट कॉलन की बात। नाउ कॉलन्स, कॉलन्स मतलब क्या होता है, ठीक है, दो डॉट्स एक दूसरे के नीचे वर्टिकली अरेंज होते हैं, उसको हम कॉलन कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये आपको, ये कब अपन यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग एंड ऑफ द क्लॉज यूज करेंगे, हम लोग एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है।
जहाँ पे अभी भी आपको आंसर मिलना बाकी है, ठीक है, अभी आपको आंसर मिला नहीं है और वो आंसर की कुछ लिस्ट बन रही होगी इसके लिए, जैसे कि एन आंसर, एन एलोब्रेशन, आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है या तो फिर एक्सप्लेनेशन फॉलोज। जैसे कि देखो, आई वुड लाइक द फॉलोइंग, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, क्या क्या पसंद है, मिल्क, चीज़, बटर, बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉलोइंग के बाद क्या है, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा आपको, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन्स। देन आई हैव टू हॉबीज, ठीक है, मेरी दो हॉबीज है, रीडिंग एंड रनिंग। तो देखो हॉबीज के पास तो अपने लिस्ट बता रहे हो ना, ठीक है, आप लिस्ट बता रहे हो, तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर कॉलन आ गया। तो बेसिकली कॉलन के तीन मेन काम है, पहला तो ये है कि इंट्रोड्यूस थिंग्स इन अ लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, आपका पता ऐसा आता है क्वेश्चन पेपर, आपको ध्यान होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर वहाँ पे कॉलन आता है, फिर नीचे क्वेश्चन की लिस्ट होती है, आता है ना क्वेश्चन पेपर, तो ध्यान है, इतने साल तक क्वेश्चन आप देते हुए आए हो, पेपर से आपको इतना आइडिया तो है ही, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसका फिर नीचे लिस्ट हो जाती है क्वेश्चन की, ओके, तो इसके लिए वहाँ पे कॉलन आता है। आप कभी वहाँ पे फुल स्टॉप, सेमी कॉलन ऐसा नहीं देखोगे, कॉलन देखोगे। दूसरा क्वालिफायर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कि सेंटेंस की सही तरीके की मीनिंग, क्योंकि मैंने क्लॉज बोला ना, मैंने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द क्लॉज, मतलब वो कि अभी तक हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिला है, स्टिल वी आर फीलिंग डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है। फिर आता है कैरेक्टर प्लस डायलॉग, कैरेक्टर के साथ, जैसे कि टीचर, ठीक है, कॉलन आ गया, ओके, अब जैसे कह रही है व्हाट इज योर नेम, ओके, व्हाट इज योर नेम, तो ऐसे करके आया, तो इस तरीके से क्या आया, कॉलन आया, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर कोई डायलॉग बोलता है तो उसके आगे, अब जैसे कि आप ना, आपके पास कोई चैप्टर्स होंगे जहाँ पे कैरेक्टर वाइज चैप्टर्स होंगे, ठीक है, एक तो टेंथ की उसमें है द प्रपोजल वाला चैप्टर है, वो देख लेना, ठीक है, एक बार बुक निकाल के देख लेना प्रपोजल वाले चैप्टर में, तो उसमें आप देखोगे कि वो जो भी कैरेक्टर वो लिख रहा है तो उसके आगे कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो वैसे हालांकि मैंने बता दिया, एक बार देख लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, मोस्ट पीपल रनिंग आफ्टर थ्री थिंग्स, किस किस के पीछे भाई, पैसा, सक्सेस, फेम, ठीक है, सीधी सी बात है। यूज अ कॉलन टू एड टू सेंटेंस व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन समराइज, ठीक है, तो अब जब सेकंड सेंटेंस समराइज करेगा पहले सेंटेंस को, उसको कंप्लीट करेगा, तब हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। लाइफ इज लाइक अ पजल, मोस्ट पीपल कांट सॉल्व इट, ठीक है। द पार्टी वॉज अ कम्प्लीट मेस, पार्टी तो क्या थी यार, हुआ क्या उसमें, ऐसा ऐसे तो क्या खराब हो गया पार्टी में, कोई म्यूजिक नहीं था, कोई फूड नहीं था, ठीक है, ऐसे करके। टू एम्फसाइज वर्ड और फ्रेज, वी न्यू वेयर जॉन वॉज एट लास्ट नाइट, हमें पता है कि जॉन कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, नाइट क्लब, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको सेंटेंस तो मिल रहा है, बट उसके बाद आपको और जिज्ञासा हो रही है जानने की क्या था, क्या था, तो वो जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी आ रही है, वो कॉलोन के बाद अपन उसका आंसर देते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे कोटेशन था ना, इट्स अ टाइम यू फॉलो व्हाट ही सेड कॉलोन, फिर आगे उसका, उसने जो भी बोला होगा वो स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं डैशेज एंड हाइफन्स, ठीक है। अब डैशेज हाइफन्स में पहले तो अपन बहुत भारी भारी का डिफरेंस होता है, डैशेज जो होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, और हाइफन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हाइफन्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और डैशेज साइज में ज़्यादा होते हैं। डैश का मतलब इंटरप्ट करना, रोकना, ठीक है, और हाइफन का मतलब कनेक्ट करना, दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। डैश जो है वो कॉलोन की तरह यूज़ होता है, बट ज़्यादातर हम इसको इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, और कॉलोन को हम लोग ज़्यादातर फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। और जो हाइफन होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड वर्ड्स के बिटवीन, बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स हम उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है अच्छा सा, देखो एक तो हम ना इसको टाइम के हिसाब से यूज़ करते हैं, 4:30 से 5, ठीक है, तो टाइम गैप आया, ठीक है, तब यूज़ किया। देखो हिज रूम इज पेंटेड टू कलर्स, उसके रूम जो है वो दो कलर से पेंटेड है, कौन से, रेड एंड वाइट। देखो कौन से, अभी जिज्ञासा आई ना, क्यूरियोसिटी, तो एक क्यूरियोसिटी में अपन कॉलन भी लगा रहे थे और एक क्यूरियोसिटी में अपन क्या लगा, डैश भी लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग इनफॉर्मली बात करेंगे तो डैश लगाएंगे, अगर फॉर्मली बात होगी तो फिर कॉलन लगाते हैं। शी एनरोल्ड इन द ईयर इन द 2008-12 क्लास, ठीक है, तो अगेन देखो ईयर की बात आ गई, तो डेट हो गया, डेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जनरली टाइम हो जाता है, ईयर हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम सीरीज की बात करते हैं तब हम ये चीज़ लगा देते हैं। तो ज़्यादातर डैश जो है वो कॉलन वैसा, कॉलन जैसा ही काम करता है। अब हाइफन में देखो, अ डॉग फ्रेंडली होटल, देखो डॉग और फ्रेंडली दो शब्दों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। क्लोज्ड डोर मीटिंग्स, बंद कमरे की बातें,
ठीक है, तो अ बुक लविंग स्टूडेंट, समझ रहे हो, तो एक स्टूडेंट की कैरेक्टर है क्या है, बुक लविंग। अपन कहता है ना, अभी आप वाला बता रही हूँ मैं, मेरी पेन कहाँ गायब हो जाए, ये रहा, ठीक है। एक्स बॉयफ्रेंड बोलते ना हम लोग, ठीक है, तो बॉयफ्रेंड अब कैसा है, गुजर चुका है, अभी मेरे साथ नहीं है, तो दैट इज द एक्स, बात आई समझ में, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए ना, अब आता है कोटेशन मार्क्स, कोटेशन, ठीक है, अपन ऐसे कई बार स्टूडेंट बोलते हैं तो अपन इम्पोर्ट करते हैं उसको, तो किसी किसी महान व्यक्ति की कोई कही हुई बात को हम लोग एज इट इज जब किसी के सामने बोलते हैं तो उसको हम लोग कोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोटेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेम, बुक का टाइटल हो गया, मूवी का टाइटल हो गया, ठीक है, कैरेक्टर की बात हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज कर लेते हैं जो यूजुअली से थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोटेशंस का यूज कर लेते हैं। जैसे कि अवर इंग्लिश टीचर आस्क्ड अस टू रीड क्या द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले ही बुक रीड कर लेना, ठीक है, तो वो बुक को स्पेसिफाई एम्फेसिसाइज किया गया है। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड फिलिप वेंट टू वॉच डोंट एट द न्यू थिएटर, ओके, डॉन मूवी एट द न्यू थिएटर, तो डॉन मूवी स्पेसिफाई वही मूवी देखने के लिए जा रहा है, ठीक है। आजकल के बच्चे इस स्टेटमेंट लिखेंगे सत्य प्रेम की कथा, ओके, चलिए। फिर अब जैसे कि एक्रोनिम है, एक्रोनिम WFH, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम। आजकल के यंगस्टर आप सब तो भाई हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, है ना, तो अब वो जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास यूज कर, कोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोटेशन जो है ना बेटा, दो टाइप के होते हैं, ये अभी अपन ने जो बात की ओपन ने सिंगल कोटेशन की बात की, ठीक है, देखो हर जगह पे सिंगल कोटेशन है, तो सिंगल कोटेशन कहाँ लगते हैं, बुक्स के साथ, टाइटल्स के साथ, ठीक है, एक जैसे अभी मूवी स्पेसिफिक नाम आया मूवी का, ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट वही मूवी देखने जा रहे हैं इसलिए उसके साथ आ गया, ठीक है, कुछ वर्ड्स को अपन एम्फेसाइज करते हैं। तो फिर आता है डबल कोटेशन, डबल कोटेशन कहाँ यूज करते हैं, तो डबल कोटेशन जनरली यूज करते हैं उन शब्दों के लिए या उन स्टेटमेंट्स के लिए जो किसी ने बोली थी महान व्यक्ति ने और हम उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, जैसे कि वो है ना एक अच्छा सा स्टेटमेंट है जिसका आप मुझे बताओगे किसने बोला है ये, ठीक है, तेरा भी कटेगा फिर तू फिजिक्स पढ़ेगा, ओके, तो अभी ये एक महान व्यक्ति ने बोला है तो आप जरूर बताना कि किन क्या नाम है महान व्यक्ति का, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो कहाँ पे जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ओके। आई हैड अ ड्रीम सेड मार्टिन लूथर किंग, ओके। निक सेड आई एंजॉय वॉचिंग म्यूजिकल्स, देखो निक मतलब कि उसी स्पेसिफिक बंदे ने बोला हुआ है, ये मार्टिन लूथर जो राजा है, ठीक है, उसी ने बोला है, तो स्पेसिफिकली जिसने वो शब्द बोले हैं वो शब्द एज इट इज आप उठा के किसी और को बताते हो तो डबल कोटेशन, क्लियर, डन। चलिए अब आता है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, बेसिकली इसके दो ही काम है, एक होता है पॉजिटिवनेस, मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शंस, चीज़ों को वर्ड्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे कि एमिस बैलेट क्लास, ओके, लीजास कार, ठीक है, ये लीजा की कार है, रॉबर्ट्स कार ही रॉबर्ट की कार है, ठीक है, जैसे लाइक रोहित पेन, ओके, इसका मतलब कि रोहित की पेन है ये, ओके, तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, कार, लाइक उसका है, पॉजिटिव ना। और कॉन्ट्रैक्ट में देखो जैसे दे है, तो दे है को क्या कर लिया, ऊपर एपोस्ट्रोफी में लगा के वी ई लगा दिया। आर नॉट, ठीक है, तो नॉट को अपन कैसे लिख देते हैं, एन ऊपर एपोस्ट्रोफी फिर टी, ठीक है, दे विल, तो दे इल, इल ना, ऐसे करके, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज करते हैं, तो जनरली ये दो चीज़ें अपने पास होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है, फटाफट से थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, तो यहीं पे ही मैं करती जाऊंगी, ओके, आ जाओ पेन अच्छी वाली। चलिए अब एक्सरसाइज क्या कह रहा है, पहले रीड कर लेते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज, ओके, यहाँ पे तो हाइफन दिया हुआ है, उस पर एग्जाम में हाइफन ना दिया, पर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट क्या है वहाँ पे, पॉज आया थोड़ा सा, इन द नॉर्थ ईस्ट पॉज आया तो क्या लगाएंगे हम लोग, कॉमा लगाएंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, दैट्स इट, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, फुल स्टॉप।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड ओके कॉमा के बाद एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ओके व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. देखो एक्सक्लेम्ड आया तो कॉमा लगेगा और फिर अब क्या आएगा इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है आस्क्ड ये वो उसके आगे कॉमा था ना अब कोटेशन आ गया तो इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास क्या है दीज आरंट. देखो आरंट आया तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा. ठीक है रेन ड्रॉप्स अब ये एक कैरेक्टर है लेंचो आपकी बुक में ही है. ठीक है तो लेंचो जो है वो अपनी वाइफ का कह रहा है कि ये सिर्फ ना बारिश की बूंदे नहीं है तो एग्जैक्ट वर्ड्स हम लेंचो के बता रहे हैं इसके लिए ये आया. सो दीज आरंट एयर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ओके स्काई कॉमा दे आर न्यू कॉइन्स फुल स्टॉप द बिग ड्रॉप्स आर द 10 cent pieces and the little ones are the 5 full stop. अब आगे हमने inverted comma से quotation दिया है तो इसके लिए खत्म करेंगे वो भी inverted comma से. याद करना commas बाद में आएंगे full stop पहले आएगा. ठीक है clear हुआ किस तरीके से आ रहे. ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको practice तो करनी पड़ेगी. meaning आपको आ गई तो just लगाते जाइए. चलो I was not born with a hunger to be free. ठीक है खत्म. उसके आगे हमको वैसे लगा कुछ पता चलना चाहिए तो इसलिए क्या लगा देंगे फुल स्टॉप. आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे. देखो 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 आई वॉज बॉर्न फ्री मैं फ्री पैदा हुआ था. कैसा फ्री कैसा फ्री. ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा डैश. अब वो पूरी लाइक या तो आप डैश लिखोगे या तो आप कॉलन लगाओगे. ठीक है पर जनरली अपन डैश लिखेंगे इसके अंदर. ठीक है क्योंकि आपके बुक का ही है तो उसमें है ये तो क्या लगा रहे डैश. अब फ्री किस किस फॉर्म में लिस्ट आएगी. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. ठीक है जो मुझे पता है फुल स्टॉप. जैसे कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स. देखो मदर्स यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस ओके मदर्स हट कॉमा. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम ओके मैट रन थ्रू माय विलेजेस. फ्री टू टोस्ट मील्स अंडर ओके फ्री टू टोस्ट ये रहा विलेज. ठीक है फिर क्या आएगा फ्री टू टोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइट द बोर्ड ब्रिक्स ऑफ द स्लोइंग बुल्स. दैट्स इट खत्म. अच्छा देखो स्लो मूविंग बुल्स. बुल्स के आगे क्या लिखा हुआ है स्लो मूविंग. कैरेक्टर बता रहा है वो मतलब एग्जेक्टिव बता रहा है तो इसके लिए क्या आएगा हाइफन स्लो मूविंग बुल्स और ये हो गया फुल स्टॉप. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट वॉज 24 hours अगो. देखो 24 hours आ गया तो हाइफन आएगा. यस ठीक है 24 hours अगो फुल स्टॉप. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम फुल स्टॉप. द डे बिफोर द डे ओके एक दिन पहले की बात है तो अब क्या आएगा बाद में इंटरेस्ट आएगा. कॉमा आया इसके लिए. ऑल डे लॉन्ग पूरा लंबा दिन हाइफन ठीक है पूरा लंबा दिन. He had watched his parents flying about his with his brothers and sisters. Okay, perfect. Okay, sisters के साथ flight कर रहे हैं. देखो meaning खत्म हो गई है. फिर से start करते हैं. That was 24 hours ago. 24 घंटे के पहले की बात है. Since then nobody had come near him. ठीक है उसके बाद कोई भी उसके सामने आया ही नहीं है. The day before, all day long. Okay, उसके लाइक 24 घंटे खत्म हुए ना उसके एक दिन पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है एक दिन पहले पूरा का पूरा दिन उसने क्या देखा. ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग. ठीक है उसने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा है उसके भाई और सिस्टर्स के साथ फुल स्टॉप आई मीन कॉमा. ठीक है इसके बाद पॉइंट होगा बट मीनिंग तो पता चल गई. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग देम. ठीक है परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब कि उनको उड़ने की कला सिखा रहे हैं. एंड टू स्किम then the waves and how to dive for the fish. ठीक है फिश को कैसे पकड़ना है वो उनको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं. किसी बर्ड की कहानी है ये. ठीक है चलिए अब देखो. I switched on the radio and said आया मतलब बोल रहे हैं अभी क्या बोल रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा कॉमा और यहाँ से क्या हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा. सी तो याद ही कर लेना आगे said exclaimed ऐसा कुछ है ना आग्स वगैरह तो ऐसे आना ही है. पेरिस कंट्रोल कॉमा दकोता DS008 हेयर कैन यू हेयर मी क्वेश्चन मार्क ओके दकोता डी एस
हेयर कैन यू हेयर मी ओके क्वेश्चन मार्क आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड फुल स्टॉप ओवर फुल स्टॉप ठीक है. देखो अब ये बेसिकली फ्लाइट की बात हो रही है तो मैंने अपना रेडियो ऑन किया और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल मतलब नहीं बोलते पेरिस कंट्रोल सामने जवाब आता ना ये ऐसे करके तो पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-008 फ्लाइट प्लेन का नाम है. हेयर मतलब मैं यहाँ पर कैन यू हेयर मी क्वेश्चन मार्क आ गया. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ठीक है मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ कंप्लीट सेंटेंस है ठीक है फुल स्टॉप ओवर तो ऐसे क्या होता है ना आर्मी वाले ये वाले ओवर ओवर करते हैं तो दैट मीन्स कंसिडर एज अ फुल स्टॉप ठीक है अपन ने सुन लिया एंड कॉमास क्लोज्ड. चलो नेक्स्ट लुक ए लुक देखो लुक आया इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेशन शी ड्रू यू ठीक है उसने तेरे को ड्रॉ किया है मतलब ड्रॉइंग की है फुल स्टॉप. दैट्स देखो अभी आप आएगा एपोस्ट्रॉफी एस दैट्स यू शी एक्सक्लेम्ड यू एक्सक्लेम्ड ठीक है और एक्सक्लेम्ड इसके लिए क्या आएगा इन्वर्टेड कॉमास. डन चलिए नेक्स्ट डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजीव सेड तो कुछ है नहीं सीधा का सीधा क्वेश्चन मार्क ही है ठीक है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि राजीव ने स्पेसिफाई ये वर्ड्स बोले हैं तो इसके लिए कोटेशन में डबल आएंगे ठीक है. तो राजीव कह रहा है कि तुमको पता है कि पूरे साल भर में 80 करोड़ जितने चाय के कप ठीक है पिए जाते हैं हिंदुस्तान में ठीक है. व्यू ओके सरप्राइज एक्सक्लेम्ड आया इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम्ड प्रांजोल. टी रियली इज पॉपुलर ओके टी रियली इज वेरी पॉपुलर तो वो ये चीज कह रहा है ना ओके तो इसके लिए क्या आ गया इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड ठीक है. चलिए नेक्स्ट ही इज नॉट रियली नाइस लुकिंग एंड येट ही हैज इनॉर्मस चार्म ठीक है. ही इज नॉट रियली नाइस लुकिंग देखो नाइस और लुकिंग इकट्ठे आया तो हाइफन लगा देंगे नाइस लुकिंग कॉमा एंड आया तो उसके आगे कॉमा तो आना ही है कॉमा एंड येट ही हैज इनॉर्मस चार्म ठीक है बस कुछ फुल स्टॉप और तो कुछ है नहीं इसके अंदर. एट देखो लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड ओके लुकिंग स्ट्रेट एट हर उसकी तरफ देख रहा है देखा और बोला बीच में थोड़ा पॉज है ठीक है तो इसके लिए कॉमा ही सेड क्या कह रहा है भाई तो इसके लिए कॉमा आएगा यहाँ पर और ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा. आई कांट ये एपोस्ट्रोफी कॉमा लाइक एपोस्ट्रोफी आई कांट हेल्प यू मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता ठीक है और ये क्लियर. अच्छा अब उसने बोला ना तो इसमें तो सिंगल ही चल जाएगा ठीक है इसमें डबल करने की जरूरत ही नहीं है कोई खास वो कोटेशन नहीं है इसका मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता इतना ही बोल रहा है ना वो ठीक है. सो आई कांट दैट्स इट. चलिए नाइन्थ इट इज अ फाइन आइडिया लेट्स होप दैट इज गोइंग टू वर्क. अच्छा फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे मुझे सॉरी कॉमा के पहले लगा देना ओके. इट्स अ फाइन आइडिया तो क्या आएगा यहाँ पे अभी सेमी कॉलन ठीक है पॉइंट क्लियर हुआ है यहाँ पे अभी ओके. लेट्स होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क ये आइडिया अच्छा है ठीक है उम्मीद करते हैं कि काम करेगा तो आइडिया अच्छा है क्लियर हो गया बट आगे क्या होगा नुकसान होगा ये सब लाइक क्यूरोसिटी भी है ऐसे करके ठीक है तो सेमी कॉलन. चलो द कंडक्टर चाइम्ड इन ओ सर बट दिस इज वेरी ग्रोन अप मैडम डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन. चलो क्या कह रहा है द कंडक्टर चिम्ड इन ठीक है उसको अंदर आने दिया फुल स्टॉप. ओ सर ओ आया मतलब कुछ ना कुछ तो बात हो ही रही है ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास. ओ सर फुल स्टॉप देखो बट आया तो बट के आगे मैंने कहा था ना कंजक्शन के आगे लगेंगे तो इसके लिए कॉमा आ गया. इट इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम ओके फुल स्टॉप और तो कुछ है नहीं. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल ऑल द सिटी अलोन क्या तुम्हें लगता है तो क्वेश्चन मार्क और देखो इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हुआ था इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड ठीक है बच्चों क्लियर. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 10 सेंटेंसेस करने में मजा आया होगा क्लियर होता गया होगा एट राइट की हर एक चीज को कनेक्ट करती जाऊँ मैं ओके. तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे अच्छे से नोट्स बना देना जहाँ पे आपको ऐसे कुछ वर्ड्स खुद के स्टेटमेंट नोट करके लिखने हो तो जरूर लिखना आपकी खुद की लैंग्वेज में ताकि एग्जाम में आपको रिवीजन हो जाए अच्छे से. और आपके पास जो भी लाइक जो आपकी इंग्लिश की किताब वगैरह है ना यहाँ से करके
ठीक है, या कंपेनियन होगी आपके पास, तो उसमें बहुत सारे हर एक चैप्टर में आपको पीछे की तरफ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो डू ट्राई दोज क्वेश्चन। ओके, 3-4 चैप्टर उठा के 10-12 स्टेटमेंट जरूर कर लेना, सो दैट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अभी का भी करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगर कोई डाउट रहता है, ऐसा लगता है कि नहीं अभी तक मुझे वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो डू कमेंट भी। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। हम मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, एक नई बात को डिस्कस करते हुए। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।